कैमरन बेनक्रॉप का बैन खत्म, भावुक होकर बोले पिछले 9 महीने के सफर के बारे में क्या कहूं। बॉल टेम्परिंग के दोषी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन बेनक्रॉप का 9 महीने का प्रतिबंध शनिवार को समाप्त हो गया। बैन समाप्ति के तुरंत बाद उन्हें पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम में शामिल कर लिया गया। बिग बैश लीग में अगला मुकाबला होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ खेलना है। बॉल टेम्परिंग के दोषी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन बेनक्रॉप का 9 महीने का प्रतिबंध शनिवार को समाप्त हो गया। बैन समाप्ति के तुरंत बाद उन्हें पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम में शामिल कर लिया गया। बिग बैश लीग में अगला मुकाबला होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ खेलना है। दक्षिण अफ्रीका में इस साल मार्च में हुए बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद 26 साल के सलामी बल्लेबाज बेनक्रॉप पर 9 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था। तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ और उपकप्तान डेविड वार्नर पर 1 साल का प्रतिबंध लगा था। बेनक्रॉप ने इंस्टाग्राम पर लिखा, पिछले 9 महीने के सफर के बारे में क्या कहूं? मैं जहां हूं उसके लिए शुक्रगुजार हूं और एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ता रहूंगा। पिछले 9 महीने में व्यक्तिगत, दल, टीम और समुदाय के और जो भी मेरी यात्रा का हिस्सा रहा उसका शुक्रिया। इससे आपको अपनी अहमियत का पता चलता है। बता दें कि स्मिथ और वार्नर पर दक्षिण अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में 1 साल का प्रतिबंध लगा हुआ है, जो अगले साल मार्च में खत्म होगा।